गाइज मैं आ गई हूँ फाइनली बैक टू माउंटेन्स। दिल्ली में हो रहा था बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, वहाँ पे सांस आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ माउंटेन्स पे। और वापस आके मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी कैंपिंग पे विद माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर। तो अभी मैं कैंपिंग में आई हूँ। गई जो हमारी कैंपिंग की लोकेशन है वो है कुप्पड़ वैली। तो कुप्पड़ वैली के जंगलों में आज हम कर रहे हैं कैंपिंग, और मैं दिखाती हूँ आपको, हमने अपना टेंट भी लगा दिया है। सो लकीली गाइज गाड़ी में पड़ा था ये कट्टा, और अभी हमें जलानी है आग, तो कट्टे की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ पाइन कॉर्न इकट्ठा करने, क्योंकि उससे आग बहुत जल्दी जलती है। तो देखते हैं, चलो जंगल में ढूंढते हैं क्या पाइन कॉर्न अवेलेबल है या नहीं है। तो लखनऊ बहुत खराब है, और मैं आपको चेंज करके चप्पल निकाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी है, और मुझे दिमाग से देख चुका है। देखिए वहाँ वहाँ आपको कुछ है, कोई जंगली कीड़ा हो सकता है, और वो बहुत डेंजरस है। ठीक है, देखिए मुझे ना ये पाइन कॉर्न मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देख सकते हैं ये पाइन कॉर्न्स है, और इन्हें हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बेलरा। तो चलो गाइज इकट्ठा करते हैं पाइन कॉर्न, मीन्स बेलरा। तो चलो ये देखिए, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है पेड़, और पेड़ के पीछे आपको मून लाइट नजर आ रही होगी। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मून आ रहा है, और स्टार्स भी है काफ़ी सारे आसमान में, शायद आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो अंधेरा बहुत हो गया है, चलो इकट्ठा करते हैं। बस मेरा जो कट्टा है ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, इनफ हो चुके। तो चलिए ये है, देख सकते हैं आप भाई, कैमरा मैन फोकस कीजिए ज़रा। ये देखिए मेरा कट्टा भर गया है, और अब निकलते हैं हम अपने कैंप साइट पे जहाँ हमने लगाया है अपना कैंप। अरे हो गया, और इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। चलो निकलना होगा, और इस समय जंगल में आना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा ये जो जंगल है यहाँ बहुत घना जंगल है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, डेंस फॉरेस्ट है। तो डेंस फॉरेस्ट में क्या रहता है कि यहाँ पे जंगली जानवरों को खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे डियर होता है, भालू और स्नो लेपर्ड आपको मिलेंगे। तो अभी हमें जल्दी से भी कैंप करके पहुँचना होगा, ताकि हम सेफ यहाँ से वापस जा सकते। चलो फिर मेरी काम दीजिए, ये लकड़ी है, ये आगे आने के बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर एक और लकड़ी भी है, ये भी हमारे होते हैं, ये हमारे आग जलाने के भी काम आएगी, ताकि हमारी आग बहुत देर तक जली रहे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये है बिल्ड्रास, और इसको रखते हैं इधर साइड में। अब ये हम जो लकड़ी लाए थे अब इसको तोड़ते हैं, ताकि हमारी आग इजीली जल सके। इसको तोड़ने में काफ़ी मेहनत लगती है, और काफ़ी ज़्यादा जान भी लगती है। और बस हमें आग बहुत ही केयरफुली से जलानी होगी, तरीके से गाइस। ये है हमारा टेंट, और मैं आपको दिखाती हूँ टेंट सामने से कैसा दिख रहा है। ये देखिए गाइस, ये है हमारा टेंट। फ्रेंड्स आज रात के लिए मैं लाई हूँ आलू,
और कुछ सेब पड़े थे और जूस की बॉटल, म्यूजिक सिस्टम, छोटा सा स्पीकर है हमारे पास और चॉकलेट्स, कुछ लेस के पैकेट्स। और गाइज आज रात को यहाँ पे फोन में तो नेटवर्क नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो गिटार लेकर आते हैं और आज रात को बजाएंगे हम गिटार। मुझे बजाना नहीं आता लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा अच्छा म्यूजिक क्रिएट। तो ये था आज रात के लिए, हमारे पास जो भी चीज़ें पड़ी थी वो सब चीज़ें थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कैंपिंग में हमेशा लाती हूँ ये है टॉर्च। टॉर्च होती है बहुत काम की चीज़, इसके बिना काम नहीं चलता है कैंपिंग में। और जैसे कि आपको पता है विंटर्स का मौसम हो रहा है, तो मैंने पहने गर्म कपड़े ऑलरेडी और कंबल वंबल हमने ला दिए हैं, वो हम अपने टेंट में रात को यूज़ करेंगे ताकि हमें रात में ठंड ना लगे। गाइज हमारी आग बहुत अच्छे से जल रही है, अभी हम उसमें और लकड़ियाँ डालेंगे। तो गाइज हम लेकर आए थे ये लैंप्स साथ में और ये था गाइज आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मैं और भी ट्रैकिंग और कैंपिंग के व्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।